कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक और पॉकेट या स्मार्टफोन। माउस या टच पैड में क्या डिफरेंस होता है? माउस का उपयोग यहाँ पे पहले वीडियो से रुकवाओगे, वीडियो रुका नहीं ना, अब डायरेक्ट कुछ रुकवाओ पहले, ठीक है? जब आप क्लास ले रहोगे आप क्या करोगे, वीडियो को रोकोगे ना, रोक के ही क्वेश्चन करोगे ना, नहीं तो आप साथ में बोलते जाओगे वीडियो भी चलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है? ये क्वेश्चन है पूछो। अभी खाना खाया ना, अब तो एनर्जी आ गई होगी। माउस में तीन बटन होते हैं, टच पैड में 100 बटन होते हैं, राइट और लेफ्ट। माउस का उपयोग डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ में किया जाता है और टच पैड का उपयोग लैपटॉप या नोटबुक के साथ में किया जाता है। माउस और टच पैड की मदद से आप अपने कंप्यूटर को चलाते हैं। कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं? कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं? पावर बटन दबाओ। हां बोलो जोर से, क्या कह रहे हो? आई स्टार्ट को दोबारा नहीं करो ना, उसमें क्या है? चालू करो। बोलो इसे जोर से। कंप्यूटर को पावर बटन से ऑन करते हैं। आइए अब सीखें कि लैपटॉप या नोटबुक को ओपन करने का सही तरीका क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि लैपटॉप मुझे नहीं पता, आप मेरे को बताओगे। क्लास अभी आप ले रहे हो, आप यहाँ से जाओगे तो क्लास आप खुद लोगे ना, वहाँ पे कोई होगा नहीं, आपके सामने वीडियो होगा, आप इस वीडियो के द्वारा ही पढ़ाओगे बच्चों को। आपको मैनुअल भी दिया गया है, दिया हुआ ना, आप मैनुअल की भी हेल्प ले, आप ले सकते हो कि कहाँ पे टाइमिंग है रोकने का। सेकंड क्लास है, अगर आपको वीडियो में समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कहाँ पे आपको रोकना है तो आपके पास मैनुअल दिया हुआ है। वैसे बेसिकली आप लोगों को मैनुअल से ही पढ़ाना है, वो बीच में आप कभी कभी आप वीडियो को रोकते थे कि हाँ मुझे ये लगता है कि यहाँ पर रोकना चाहिए, तो आप यहाँ वीडियो को रोकोगे, नहीं तो आपको मैनुअल जो टाइम दिया हुआ है आप उस टाइम पे आपको वीडियो को रोकना है। अभी नेक्स्ट टाइमिंग क्या दिया हुआ है? 4 मिनट 7 सेकंड। प्ले कर दो। अथवा नोटबुक को ओपन कैसे करते हैं, आइए अब सीखते हैं। एक चीज और देखो, अगर आपको जैसे कि अभी वो फ्लो नहीं आ रहा ना कि क्वेश्चन क्या पूछना है, अगर आप देखें कि आपने वीडियो की टाइमिंग बताया कि यहाँ पे वीडियो रोकना है, तो आप क्या करोगे, पहले देखोगे क्वेश्चन रीड करोगे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप मैनुअल पे पहले ही नज़र डाल लो, अगर टाइमिंग क्या है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को अपने मन में दो बार रीड कर लो कि ये क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। जैसे वो टाइम आए किसी को भी उठा के आप वो क्वेश्चन पूछ लो, आया समझे? पहले टाइमिंग देख लो आगे की, टाइमिंग क्या है, उसके अंदर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन को रीड करो। जैसी टाइमिंग वहां पे आया हमने वीडियो को वहां पे रोका, और वो क्वेश्चन किसी बच्चे से हम पूछ लेंगे, ठीक है? पढ़ लिया टाइम क्वेश्चन, पढ़ लिया जब आप क्लास लोगे थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, बच्चों को भी देखना है, वीडियो भी देखना है, समझाना भी है, तो थोड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, वो थोड़ा एनर्जी लाओ अभी आप। तब अथवा नोटबुक को ओपन करने का सही तरीका क्या होता है? लैपटॉप अथवा नोटबुक के दो हिस्से होते हैं। सबसे पहले आप सब अपने बाएं हाथ से नीचे वाले हिस्से को दबा के रखें, उसके बाद यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या लैपटॉप को खोलना। जब स्टार्टिंग में मान लो कि क्लासेस होगा,
आप लोगों के पास लैपटॉप होगा, नोटबुक होगा, कुछ भी हो सकता है। तो नए नए बच्चे स्टार्टिंग में उनको नहीं पता होता है ना कि कैसे उनको ओपन करना है। यहाँ पे इसका तरीका बताया हुआ है, आप वीडियो को देखोगे, साथ में बच्चों को भी बताना है कि आपको इस तरीके से करना है कि एक हाथ नीचे रखना है, फिर दूसरे वाले पार्ट को धीरे धीरे करके ऊपर उठाना है। ऊपर वाले हिस्से के बीच में अपना दाहिना हाथ रखकर ऊपर उठाएं और उसे दिखाए गए चित्र की तरह रखें। अगर आप सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो इसे ऑन करने के लिए आप सीपीयू के पावर बटन को एक बार अपने हाथों से दबाएं, जिससे कि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप या नोटबुक का उपयोग करते हैं तो दिए गए चित्र को देखें और आप अपनी नोटबुक या लैपटॉप में इस सिल्वर कलर के बटन को ढूंढें। इस सिल्वर कलर के बटन को सिर्फ एक बार प्रेस करें, उसके बाद आपका नोटबुक या लैपटॉप ऑन हो जाएगा। आज की कक्षा में आप सीखेंगे कि एमएस पेंट क्या होता है, हम इसका उपयोग किस लिए और कैसे करते हैं, एमएस पेंट की फाइल को ओपन कैसे करते हैं, एमएस पेंट में टूल बॉक्स किसे कहते हैं, एमएस पेंट में मिटाते कैसे हैं, एमएस पेंट की फाइल को क्लोज कैसे करते हैं और सबसे लास्ट में कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं। रोकना था यहाँ पे आपने बोला क्या क्वेश्चन लिखा यहाँ पे? एमएस पेंट क्या होता है? मैंने उनमें क्या लिखा है? आपको मैंने यहाँ पे खड़ा किया, आपको ध्यान ही नहीं है कि करना क्या है आपको। मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन पहले रीड कर लो, टाइमिंग इधर 4:07 थी ना, 4:07 है कि आपने मेरे को बोला कि आपने वीडियो रोकना है। करो क्वेश्चन, यहाँ सामने स्क्रीन